गैप द सीरीज के 9th एपिसोड के पहले पार्ट में हमने देखा सैम और मॉन मेकअप करते हैं। सैम कर्क को बताने ही वाली होती है तब मिस नीता आती है या मिस नीता को सैम के ऑफिस में लाती है। कर्क सरप्राइज होता है पर नीता उस पर ध्यान नहीं देती और सैम को ग्रीट करती है। मिस नीता ऑब्जर्व करती है कि सैम और मॉन ने एक जैसे ब्रेसलेट्स पहने हैं। स्टाफ गॉसिप करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सैम कहती है आपको एडवांस में अपॉइंटमेंट कर लेनी चाहिए थी, आप ऐसे आए मैं आपको ठीक से वेलकम नहीं कर पाई। नीता कहती है इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कैजुअल ही पसंद है। सैम पूछती है और आपको क्या डिस्कस करना था। नीता कहती है ओह मिस्टर कर्क ने आपको बताया नहीं। सैम कंफ्यूज्ड होती है। कर्क कन्फेस करता है वेल मैं सैम को आज डिनर पे बताने वाला था। नीता स्माइल करती है ओप्स तो मैंने आपको स्पॉइलर दे दिया, मुझे लगा कि आप उन्हें सुबह सबसे पहले बताएंगे। सैम पूछती है मुझे क्या बताओगे। नीता कहती है मैं आपके साथ एक जॉइंट वेंचर में इंटरेस्टेड हूँ लेडी सैम। सैम खड़ी होती है एक मिनट ये क्या है। कर्क एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है सैम सुनो मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी बड़ी हो और ज्यादा स्टेबल बने तो मैंने मिस नीता को हमारे साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए इन्वाइट किया था। नीता कहती है मैं आपका काम फॉलो करती हूँ लेडी सैम और मैं इससे काफी इम्प्रेस्ड हूँ और आज मैं यहाँ तक आ गई। आई होप आप मना नहीं करेंगी। सैम कहती है प्लीज एक्सक्यूज मी। वो कर्क को दूसरे रूम में ले जाती है। मॉन उन्हें जाता देख के उन्हें फॉलो करती है। सैम कर्क पे गुस्सा करती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो कंपनी का मोल तुम ही थे। कर्क कहता है ये कंपनी तुम्हारा सपना है, तुम इसे कितना लव करती हो, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा था ताकि ग्रैंडमदर ये कंपनी को बंद ना कर दे। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहा, समझी। सैम उसे धक्का देती है बस तुम उनके साथ बात कैसे कर सकते हो मुझे बताए बिना। कर्क कहता है मैं सब कुछ सेटल करना चाहता था तुम्हें बताने से पहले। सैम कहती है इसी को धोखा देना कहते हैं, दूसरों को जॉइंट वेंचर में इन्वाइट करना बहुत बड़ी बात होती है कर्क, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। कर्क कहता है ओके मैं समझ गया आई एम सॉरी। सैम कहती है हम पार्टनर्स हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कर्क कहता है आई एम सॉरी सैम, आई एम सच में सॉरी, शायद मैंने पूरा नहीं सोचा, तो भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। सैम कहती है क्या और कुछ है जो मुझे नहीं पता। कर्क अपने हाथ ऊपर कर लेता है नहीं। सैम कहती है अच्छा है तो हम ढंग से ब्रेकअप कर सकते हैं। कर्क सरप्राइज होता है हाँ सैम ये क्या कह रही हो ब्रेकअप, गुस्सा बाकी चीजों पे मत निकालो, ये पूरी डिफरेंट बात है। सैम कहती है हमारी एंगेजमेंट मैं खत्म कर रही हूँ। सैम जा रही होती है और कर्क उसका हाथ पकड़ता है सैम हमने बात करना खत्म नहीं किया। सैम अपना हाथ छुड़ाने का ट्राई करती है पर कर्क पकड़ के रखता है तुम शांत हो जाओगी ढंग से बात करते हैं। सैम कहती है बदतमीजी बंद करो मेरा हाथ छोड़ो और वो रूम के बाहर चली जाती है। कर्क उसे फॉलो करता है और उसका हाथ पकड़ने का ट्राई करता है। सैम उसे मना करती है। कर्क कहता है मुझे पता है तुम अपसेट हो, तुम एक मिनट के लिए तो शांत हो जाओ, जो कुछ भी मैंने किया मैंने तुम्हारे लिए किया, क्या इतनी छोटी बात पे हम ब्रेकअप करेंगे। सैम कहती है छोटी मैं तुम पे काम का भी भरोसा नहीं कर सकती तो दूसरी चीजों का कैसे भरोसा करूं। कर्क कहता है मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाला, हमारी शादी होने वाली है सैम। सैम कहती है मुझे नहीं लगता मैं तुमसे शादी करूंगी कर्क, मेरे पास एक लवर है। मॉन ये सब देख रही होती है और उसके हाथ से क्लिपबोर्ड गिर जाता है। कर्क और सैम उसे देखते हैं। सैम डिक्लेयर करती है मॉन मेरी लवर है। कर्क कहता है तुम मजाक कर रही हो सैम। सैम कहती है अगर आज नहीं होता तो मुझे कभी ना कभी तुम्हें बताना ही है, मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, तुमने ही कहा था हमारे बीच में सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए और मुझे ये तुम्हें कब से बताना है, मुझे ये अब छुपाना नहीं है। मॉन और मैं लवर्स हैं, हम काफी टाइम से डेट कर रहे हैं, मैं मॉन को अपने घर पे भी ले गई। सैम आगे कहने जाती है पर मॉन उसे रोक देती है। सैम वहां से चली जाती है। कर्क मॉन के पास आता है तो ये सच है मॉन। मॉन उसकी ओर देख नहीं पाती, वो नॉड करती है आई एम सॉरी मिस्टर कर्क। सैम नीता के पास आती है जैसे मैंने कहा था हमारी कंपनी जॉइंट वेंचर नहीं कर सकती। नीता कहती है क्या आप सच में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने दे रही हैं। सैम कहती है हाँ मैंने जो कहा वो करूंगी। नीता कहती है आप श्योर है आपको इसका अफसोस नहीं होगा। सैम नॉड करती है हाँ। नीता कहती है ठीक है मैं आपको समझ सकती हूँ लेडी सैम। सैम कहती है फिर से आई एम सॉरी कि आपको यहाँ तक आना पड़ा और आपको कुछ भी नहीं मिला। नीता कहती है कोई बात नहीं हम बिजनेस पार्टनर्स नहीं हैं पर मैं सोच रही हूँ कि हम उससे ज्यादा कुछ और बन सकते हैं। सैम कहती है ऑफ कोर्स हम बिजनेस में फ्रेंड्स बन सकते हैं। नीता मुस्कुराती है ठीक है
हम फ्रेंड से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जब वक्त आए तो हम इससे ज्यादा बन जाए। साम कहती है, आई एम सॉरी, मैं सीधे सीधे ही कहूंगी, मेरे पास एक लवर है, उसका नाम मौन है। नीता कहती है, ओह मौन, वो प्यारी छोटी सी लड़की, वो जो अपनी फीलिंग्स में मजबूत रहते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी, अगर ऐसा है तो हम फिर कभी मिलेंगे। नीता अपना हाथ आगे करती है, साम उसका हैंड शेक करती है, फिर नीता उसे हग करती है। फिर मिलने तक कर्क साम के बारे में सोच के ड्रिंक कर रहा होता है और वो उसकी ग्रैंडमदर को कॉल करता है। मौन और साम के ऑफिस में होते हैं। मौन कहती है, मैं मिस्टर कर्क को कॉल करने का ट्राई कर रही हूँ पर चाह ही नहीं रहा, और वो काम पे भी नहीं आए थे, मैं उनके लिए वरीड हूँ। साम कहती है, उसने मेरे भी कॉल्स आंसर नहीं किए, टेक्स्ट पे रिप्लाई नहीं किया, वो इधर उधर कुछ ढूंढ रही होती है। पर वो मौन के पास आके कहती है, तुम चिंता मत करो, वो समझ जाएगा, मैंने उसे पहले से ही कहा है कि मैं उसे लव नहीं करती, पर अच्छा है कि मैंने उसे बता दिया। मौन कहती है, थैंक यू मेरे लिए ये करने के लिए। साम फिर से कुछ ढूंढने जाती है तो मौन पूछती है, आप क्या ढूंढ रही हो? साम कहती है, मेरा ब्रेसलेट, मुझे नहीं पता कब खो गया, ढूंढना होगा, हमें साथ में पहनना है। मौन कहती है, मैं आपको ढूंढने में हेल्प करती हूँ। फिर साम को याद आता है कि कर्क के साथ वो झगड़ रही थी तब उसका ब्रेसलेट गिर गया होगा, वो ब्रेसलेट लेने जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम में वो इधर उधर ढूंढती है, फिर वो क्लोजेट का दरवाजा खोलती है और वहाँ पे या और चिन मेकआउट कर रहे होते हैं। साम एकदम रुक जाती है, वो उन दोनों की ओर देखती है, फिर वो देखती है कि जमीन पे उसका ब्रेसलेट है, वो कुछ कहे बिना ब्रेसलेट लेती है और वहां से चली जाती है। फिर वो वापस आती है और दरवाजा बंद कर देती है। या मौन के पास आती है, मुझे लगता है मैं फायर होने वाली हूँ। मौन कहती है, हाँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? या इधर उधर देख के कहती है, लेडी बॉस को पता चल गया कि मेरा चिन के साथ चल रहा था। मौन शॉक्ड होती है, पर मुझे तो लगा चिन की शादी हो गई है। यह कहती है, तुम किससे प्यार करो वो कहाँ कंट्रोल होता है, चिन और मैं स्टोरेज रूम्स में मिल रहे थे पर एकदम ही लेडी बॉस ने दरवाजा खोला, वो कुछ लेने आई थी, उन्होंने हमारी तरफ देखा और वो चले गए। ओ मैं कितनी नर्वस हूँ मौन। मौन कहती है, काम डाउन, क्या मैं लेडी बॉस को कहूँ कि आप काम डिस्कस कर रहे थे? या कहती है, क्या काम, चिन मेरे पे ऐसे था जब वो आए और या वो पोजीशन रिक्रिएट करने का ट्राई करती है, मैं पक्का फायर होने वाली हूँ, अब मैं क्या करूँ? मौन उसका हाथ पकड़ती है, प्लीज शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या मौन और साम ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं। मौन पूछती है, तो आप चिन और या को फायर करने वाले हो? साम कहती है, मैं सोच रही हूँ, चिन की शादी हो चुकी है, जो या कर रही है वो गलत है। मौन कहती है, पर आपने ही रूल बनाया है और मैंने ही तोड़ दिया, मुझे भी क्विट करना चाहिए। साम कहती है, नहीं मैं ये अलाउ नहीं कर सकती, अगर तुम यहाँ पे काम नहीं करती तो मेरे पास यहाँ पे आने की एनर्जी ही नहीं है, तुम्हें पता है, तुम्हारा मुंह देखने के लिए तो मैं यहाँ आती हूँ। मौन कहती है, पर मैं हर रोज आपके साथ ही होती हूँ। साम कहती है, ये सेम थोड़ी है, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं रूल को बदल दूंगी, मैंने ही बनाया था तो मैं चेंज कर सकती हूँ। मौन कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकती, बाकी सब आपकी बुराई करे मुझे नहीं चलेगा, मैं एक नई जॉब ढूंढ लेती हूँ। साम कहती है, तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। मौन पाउट करती है, ठीक है मैं क्यूट नहीं हूँ पर मैं आपको लव करती हूँ लेडी साम। साम कहती है, ये टाइम है ये सब करने का? मौन कहती है, आपका क्या, क्या आप मुझे लव करते हो? साम सिर्फ कहती है। मौन उसे फिर से पूछती है और साम फिर से वैसा ही रिप्लाई देती है। मौन कहती है, बोलो प्लीज। साम कहती है, आई लव यू। मौन कहती है, आप बहुत क्यूट हो। वो साम का नोज टैप करती है, मेरी चाम चाम। मौन उसे किस कर रही होती है और साम उसे रोकने का कहती है, पर फिर साम उसे किस करती है। वो मेकआउट कर रहे होते हैं उतने में दरवाजे पे कोई नॉक करता है, वो दोनों सरप्राइज्ड होते हैं। लेडी साम, आप लॉक करना भूल गई क्या? साम मौन को जल्दी से अपने टेबल के नीचे छुपाती है। साम एकदम अननेचुरली अपने टेबल पे पोज करती है या आके चेयर पे बैठती है। मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है लेडी बॉस। साम नॉड करती है। या कहती है, आप बैठ जाइए पहले। साम जाके कुर्सी पे बैठ जाती है। या कहती है, वेल आप मुझे मत फायर करो ना प्लीज। साम नॉड करती है, मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगी पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मिस्टर चिन की शादी हो चुकी है, जो तुम कर रही हो वो गलत है या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई और होता तो मैं हेजिटेट नहीं करती पर मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ।
मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। यहाँ कहती है, ओह थैंक यू सो मच। वो टेबल की दूसरी साइड पे आके साम के पाँव छूने जाती है, पर साम उसे पकड़ लेती है। या उसे थैंक यू कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा फिर से कभी नहीं होगा, मैंने अपना लेसन सीख लिया है। वो फिर से साम के पाँव छूने जाती है और साम उसे फिर से पकड़ती है। वो थैंक यू कहती है और वो दोनों ऐसा फिर से करते हैं। फिर साम कहती है, बस तुम अब जाओ। यह कहती है, आपने तो कहा आप मुझे फायर नहीं करोगे। साम कहती है, मेरा मतलब है रूम से जाओ। या जा रही होती है पर वो साम के लिए बहुत स्लो होती है, तो साम उसे पकड़ के अपने रूम में से निकालती है। वो अपनी चेयर पे आके रिलैक्स करती है। मौन ऊपर आके कहती है, लेडी साम अब खड़ूस और कोल्ड ब्लडेड नहीं है, आप इतने काइंड हो कि आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। साम कहती है, कैसा रिवॉर्ड? मौन उसे किस करती है। साम उसे वार्न करती है, ऐसा मत करो, पर मौन उसे फिर से किस करती है। मौन उसे अनड्रेस करने जाती है और साम उसे रोकती है। मौन कहती है, मुझे रिजिस्ट मत करो, और साम को किस करती है। मौन वॉशरूम में होती है, वो अपना फेस वॉश कर रही होती है, तब या आती है। मौन तुम अभी भी यहीं पे हो? मौन कहती है, वेल मैंने अभी ही लेडी बॉस के साथ मीटिंग खत्म की, आप अभी नहीं गए? या कहती है, मैं गई थी, पर लेडी बॉस को थैंक करने के लिए मैं उनके लिए स्नैक्स लाई। और तुम उनके साथ क्या डिस्कस कर रही थी? तुम्हारे लिप्स इतने स्मच क्यों हैं? वॉन अपना फेस देखती है, वो नैपकिन लेके अपने लिप्स वाइप करती है। मुझे नहीं पता था कितना स्मच हो गया, मैंने सोचे बिना ही रब किया होगा। या कहती है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता ना? मैंने सब कुछ सुना। मौन कहती है, आपने क्या सुना? या नाटक करती है, फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि या शाम के लिए स्नैक्स लाती है। वो शाम के ऑफिस पर नॉक करने वाली होती है, तब उसे अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो सरप्राइज होती है पर वो अपने आप को रोक नहीं पाती। प्रेजेंट में या मौन को पूछती है, ये कब से चल रहा है? मौन उसके हाथ पकड़ती है, या प्लीज प्लीज किसी को मत बताना, मैं जल्द ही क्विट करने वाली हूँ। मुझे पता है कि ये कंपनी के रूल के अगेंस्ट है और मुझे लेडी साम के लिए मुश्किलें नहीं करनी। या कहती है, तुम क्यों रिजाइन कर रही हो? मैं किसी को नहीं बताने वाली। पर ये बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, हमको तो लगा था कि तुम और मिस्टर कर्क का चल रहा है। किसने सोचा होगा कि तुम्हारा और लेडी बॉस का अफेयर चल रहा है? मुझे नहीं पता था कि लेडी बॉस को लड़कियां पसंद है। मौन कहती है, उन्हें मिलने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मुझे लड़कियां पसंद है। या कहती है, ठीक है किसके साथ प्यार हो ये कंट्रोल कहाँ होता है, मुझे ही देखो, मुझे पता है कि ये गलत है पर मैं कहाँ अपने आप को रोक सकती हूँ। ऐसा करते हैं, तुम मेरी बात मत करना, मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगी, डील? मौन नॉड करती है, ओके, और वो हैंड शेक करते हैं। साम और मौन पब्लिक में डेट पे होते हैं। साम उसका हाथ पकड़ती है। मौन नर्वस हो जाती है, लेडी साम। साम कहती है, तुम्हें मैं नहीं पसंद? मौन कहती है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग आपको बुरी तरह से देखें। साम कहती है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग मुझे अच्छे से देखें या बुरे से, मुझे सिर्फ अपने लवर का हाथ पकड़ना है, मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। मौन स्माइल कर रही होती है। साम आगे कहती है, किसको लगा होगा कि मैं एक दिन एक वुमन को डेट करूंगी, ऐसा तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मौन, वो मौन के हाथ लेती है, मुझे पब्लिक में भी तुम्हें प्यार दिखाना है, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। मौन कहती है, आज आप बहुत बोल रही हैं। साम कहती है, हम साथ में अब्रॉड की ट्रिप करें? हम जापान जाए, बहुत ही पीसफुल जगह है, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। मौन कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर मुझे प्लेन्स नहीं पसंद। साम पूछती है, क्यों? मौन कहती है, मैं इंग्लैंड बार बार जाती हूँ पर मुझे फ्लाइंग नहीं पसंद है। साम कहती है, तो हम एक डोमेस्टिक ट्रिप जा सकते हैं और हमें प्लेन पे भी नहीं जाना होगा, ठीक है? मौन कहती है, लेडी साम आप भूल गई कि मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉई हूँ, मुझे काम करना है। साम कहती है, पर आज फ्राइडे है, मंडे तक 2 दिन बाकी है, चलो। वो मौन को रिसोर्ट पे ले जाती है, वहाँ पे उन्हें मिस रीसा वेलकम करती है। थोड़ी बात करने के बाद साम कहती है, आप ये जगह की ओनर होंगी। पीछे से कोई कहता है, नहीं मैं हूँ, चेयर। साम के कार की तारीफ करती है, फिर वो साम को जज कर रही होती है। रीसा उसे रोकती है, आई एम सॉरी, मेरी लवर सोचने से पहले ही बोल देती है। साम कहती है, तो उसे कभी सोच लेना चाहिए। चेयर आगे आर्ग्यू करने जाती है पर रीसा उसे रोकती है। साम और मौन उनके रूम में आते हैं। अगली सुबह मौन रूम में अकेले जागती हैं। वो इधर उधर साम को ढूंढती हैं और देखती हैं कि साम बाहर बीच पे है। वो तैयार होके साम के पास जाती हैं, फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने आते हैं। चेयर और रीसा उन्हें सर्व करते हैं। चेयर कहती है, मैं मैरिड हूँ, तुम मेरी रिंग को देख रही थी तो सोचा बता दूँ। मौन पूछती है,
आप दोनों की शादी हो चुकी है, जेर कहती है। हाँ, तुम इतना सरप्राइज क्यों लगती हो? शर्ली, वो दो जो प्यार करते हैं उन्हें शादी करनी चाहिए। मौन पूछती है, थाईलैंड में वुमेन शादी कर सकती हैं? रीसा कहती है, एक्चुअली थाई लॉ में अभी भी सेम सेक्स मैरिज माना नहीं जाता, पर हम एक दूसरे के लिए लव दिखा सकते हैं। और एक और चीज, शेर चाहती थी कि सबको पता हो कि हम लवर्स हैं, तो हमने शादी की। शेर कहती है, दैट्स राइट, मैं इसको चूज करती हूँ तो इसे बताने के लिए शादी कर दी, इसमें छुपाना क्या? मौन पूछती है, बुजुर्गों का क्या, क्या वो इसे ओके हैं? शेर कहती है, एक दूसरे से लव करने में उन्हें पूछने की क्या जरूरत है? अगर मैं बाकी सब क्या फील करते हैं उस पे इतना ध्यान देती हूँ तो मैं इससे कैसे शादी करती? वो कॉफी सर्व करती है। साम कहती है, मौन तुम्हें अच्छे से पूछ रही थी, इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? शेर कहती है, वेल, लव दो जन के बीच में होता है, अगर हम बाकी लोग के बारे में सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं तो क्या हम शादी कर पाते? अपने आप को प्रायोरिटाइज करना ज्यादा अच्छा नहीं है? रीसा आती है और उसे बिहेव करने का कहती है। शेर कहती है, सच ही तो बात है, इतनी मेहनत लगती है दो जन ढूंढने में जो एक दूसरे के साथ ट्यून में हो, दूसरों को लाके ज्यादा प्रॉब्लम बनाने की क्या जरूरत है? रीसा कहती है, शेर के लिए मैं माफी चाहती हूँ, वो बहुत ब्लंट है, पर वो सही भी है। दो लोग एक दूसरे से ट्यून करें उसमें ही कितनी मेहनत लगती है। हमारा लव भी बाकी लोगों के जैसा ही है। मौन कहती है, ये जान के अच्छा लगा, मुझे आपको और शेर को कॉन्ग्रेचुलेट करने दीजिए। शेर और रीसा थैंक यू कहते हैं। शेर पूछती हैं, तो आप दोनों फ्रेंड्स हो? साम कहती है, हम लवर्स हैं। शेर कहती है, ओह, तो ये कपल ब्रेसलेट्स तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग्स जैसे हैं। मौन कहती है, नहीं, ये सिर्फ एक गिफ्ट है। साम कहती है, मुझे भी शादी करनी है मौन, बड़ी वाली। मौन कहती है, लेडी साम, मुझे पता है आपका शेर पसंद नहीं है, पर उनके साथ कम्पीट करना बंद कर दीजिए। साम कहती है, तुम्हें कैसी वेडिंग चाहिए? कैसा कलर थीम? कितने गेस्ट? 1000? मुझे लगता है बहुत बड़ा होना चाहिए। मौन नर्वस होती है। साम कहती है, मौन, मैं सीरियस हूँ, क्या हम शादी कर लें? मौन कहती है, नहीं। साम पूछती है, क्यों? मौन कहती है, मैं आपके लिए काफी नहीं हूँ लेडी साम, आप एक ऑनरेबल लेडी हो और मैं सिर्फ कॉमनर। शेर टांग अड़ाती है, क्यों? ऑनरेबल होने से इसके पंख आ गए? क्या वो उड़ती है? मुझे तो उसके पांव जमीन पे ही दिख रहे हैं। रीसा उसे रोकती है, पर शेर आगे कहती है, पर ये सच है, मुझे सिर्फ एक्सक्यूजेस सुनाई दे रही हैं। वो शादी कब करेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा? या फिर उसकी पर्सनालिटी ही इतनी बुरी है कि उसे पसंद नहीं है। रीसा सिचुएशन को डिफ्यूज करने का ट्राई करती है, मैं आपके लिए फ्रूट लाती हूँ, और वो शेर को काम पे लगाती है। शाम खड़ी होती है, मैं बाहर जा रही हूँ। मौन भी उसके साथ खड़ी होती है। शाम कहती है, तुम यहीं पे रहो, मुझे अकेले जाना है। और यहाँ पे गैप द सीरीज का 9th एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड के सेकेंड पार्ट को ना हम लेस्बियन ऑन लेस्बियन वायलेंस बुला सकते हैं। पहले नीता वर्सेस साम और उसके बाद शेर वर्सेस साम। परफेक्शन। आई विश कि नीता ने इसे बड़ा रोल प्ले किया होता। साम और मौन के सिवाय वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर हैं। वो और साम का जो क्लैश होता है, इट्स सो गुड। और कर्क उन दोनों के बीच में फंसा हुआ होता है। और स्पीकिंग ऑफ कर्क, उसकी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंड मदर को कॉल करने की? उसे पता है कि ग्रैंड मदर कितनी खड़ूस है, पर उसका दिल टूटा तो ऐसा कर देने का। और साम भी इतनी ऑटिस्टिक है, फाइनल सीन में जब वो मैरिज की बात कर रहे थे तब साम के दिमाग में नहीं था कि मैं शेर से कम्पीट करूँ, पर लाइक शेर के कहने के डायरेक्टली बाद आया तो इट्स ऑब्वियस अजम्पशन टू मेक कि वो शेर के साथ कम्पीट करना चाहती हैं, पर सच में वो कम्पीट नहीं कर रही। पर लाइक लड़की को प्रोसेस ही नहीं हो रहा कि ये ऐसे कोई समझ सकता है। और ये दोनों कितना कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ये मेकअप करते हैं और फिर फाइट करते हैं। यही एपिसोड में इन्होंने ये दो बार किया है। ये एपिसोड स्टार्ट हुआ तब उनकी फाइट चल रही थी, फिर साम मौन को मना देती है, फिर अब ये एंडिंग में उन दोनों की फाइट चली। अब मौन का टर्न है साम को मनाने का। पर इनके जो इश्यूज है, लाइक क्लास इश्यूज, अंडरस्टैंडेबल कि ये इश्यूज क्यों हैं, और ये भी समझ आता है कि साम ये इश्यूज को कंप्यूट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि साम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बार बार कहती है कि आई डोंट केयर, पर मौन के लिए ये डिफरेंस हमेशा सामने ही है, वो ये बात इग्नोर नहीं कर सकती। उसे होम रेकर तो बुलाने ही वाले हैं क्योंकि साम और कर्क की शादी तोड़वा दी, और उसके साथ उसे गोल्ड डिगर भी बुलाएंगे। नॉट टू से कि ऐसा एक्चुअली में होगा, पर रियलिस्टिकली या सब लोग ऐसा ही सोचने वाले हैं, और मौन यही सोच रही हैं कि सब ऐसा ही सोचेंगे, विच इज अंडरस्टैंडेबल। देन यू हैव साम, तुम्हारा मुंह देखने के लिए तो मैं ऑफिस आती हूँ। मैम, ये कंपनी आपका पैशन नहीं था?
एक कंपनी आपका इकलौता सपना नहीं था, उसका क्या हुआ? पर आई डोंट थिंक कि उसे उसकी बहुत फिकर है, उसने कहा वैसे ही शी डजंट केयर। वो काम ना करे तो भी उसे इनहेरिटेंस में कितना सारा पैसा मिलने वाला है, वो एक रॉयल है आफ्टर ऑल। अभी तक मैं ये सोच रही थी कि ग्रैंड मदर के पास सारा एस्टेट का पैसा है और उसकी वजह से साम कुछ और कर नहीं सकती है, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि जो साम के मॉम और डैड का इनहेरिटेंस होगा वो डायरेक्टली साम को ही जाएगा ना। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद वो इनहेरिटेंस साम और उसकी सिस्टर्स को मिलेगा, उसकी ग्रैंड मदर की ओर नहीं जाएगा। तो पहले पहले तो मुझे लगा था कि ये जो उसकी जॉब है वो उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का लाइक ट्राई कर रही है वहाँ पे, पर थोड़ा सोचने के बाद साम के पास लाइक बहुत सारा पैसा है उसके इनहेरिटेंस में ही सिर्फ, तो उसे लिटरली जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वो कल कंपनी बंद कर दे तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इतना सारा पैसा हो तो अंडरस्टैंडेबल है कि मॉन एक शुगर बेबी जैसा फील क्यों करेगी, क्योंकि वेल शी इज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।